Hey everyone, hope you are doing well. My name is Arshad. Welcome back to my YouTube channel. So यार finally अपने पास आ चुका है Firebolt Supreme. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि यार Firebolt Supreme के ऊपर वीडियो बनाओ, रिव्यू करो. तो फाइनली आ गया है अपने पास ये, और इसे हम चेक करेंगे अच्छे से, जैसे कि सारी वॉचेस करते आए हैं, जैसा भी हमने मैक्स का भी किया था. मैक्स का और इसका कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा, बट इस वीडियो पे मुझे 1K लाइक्स चाहिए भाई. देख लो, करवा दो आप लोग यार, व्यूज़ तो आ ही जाते हैं, तो लाइक्स भी करवा दिया करो है. और हाँ, ये जो वॉच है इसका जो प्राइस है वो 3799 है अमेजोन पे, पर ये वॉच आपको 3400 में भी मिल सकती है अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो. तो भाई जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. तो अब इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और फिर इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और सारी टेस्टिंग वगैरह करेंगे जैसा ये करते आए. तो स्टार्ट करते हैं. तो बॉक्स की बात करूँ तो फ्रंट में ही आपको हमारा विकी कौशल देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ वॉच देखने को मिल जाती है. साइड में इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं, बैक साइड में भी फीचर्स लिखे हैं और दूसरी साइड भी इसके फीचर्स वगैरह लिखे हैं. तो अभी बॉक्स को खोलते हैं और चेक करते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है. तो बॉक्स के सबसे ऊपर ही आपको वॉच मिल जाती है, वॉच को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है. तो अंदर आपको सबसे पहले मिल जाता है मेन्यू, मैनुअल कार्ड जिसे आप ऑपरेट करोगे इस वॉच को. उसके अलावा बात करूँ Garena.com की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ आपको इसमें आपको वारंटी कार्ड भी मिल जाता है. उसके अलावा चार्जर की बात करूँ तो वही टिपिकल चार्जर है जो कि आपके Firebolt पैक्स में भी आया था. तो बस यही है वॉच, फटाफट इसको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं ऑन करने के बाद इसकी ब्राइटनेस कितनी है. काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है. तो ये अभी ऑन हो चुकी है वॉच, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी सही ब्राइटनेस है इसकी. अभी हम डिस्प्ले के ऊपर आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले हम इसके की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं यार. उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा हाथ में पहनेंगे कैसी लगती है वॉच. तो काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी ज़्यादा थिक है, लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे. तो यार फीचर्स की बात करूँ जो की फीचर्स हैं इसके, सबसे पहले तो 1.79 इंच की LTPS डिस्प्ले मिलती है. LTPS जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि LTPS क्या होता है. पिक्सल वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं और काफ़ी जो नेचुरल चीज़ें होती है, नेचुरल कलर होता है वो आता है LTPS डिस्प्ले में. तो वही चीज़ दी गई है इसके अंदर, और इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया है. तो इसके अलावा बात करूँ इसमें और क्या है, तो इसमें आपको वही 15 डेज़ का बैटरी बैकअप मिल जाता है जो इसको भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है. साथ ही साथ इसके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंट जो है वो 380 का देखने को मिलता है, 800 SPO2, ये सारी चीज़ें तो मिली जाती है. साथ ही साथ म्यूज़िक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिलता है. सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये देखने को मिल रही है जो कि Firebolt की वॉचेज में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, वो पता है क्या है? वो है आपका स्पोर्ट्स मोड. जी हाँ, 20 स्पोर्ट्स मोड के साथ आई है यार ये वॉच. मतलब क्या काम किया इस बार, मतलब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ही प्रेफर कर सकते हो इस वॉच को. अभी हम इसके बारे में भी आगे ही बात करेंगे. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी. साथ ही साथ जो इसका क्रॉन है यार वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है. ऐसा नहीं है कि ये कोई डमी है, आप इसको वॉच फेसेस वगैरह चेंज करने में काम कर सकते हो, और साथ ही साथ क्रॉन को आप मेन मेन्यू में भी यूज़ में ला सकते हो. मतलब बहुत सारे काम में आपके क्रॉन आ जाता है. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, इस प्राइस रेंज में आपको क्रॉन भी वर्क करता हुआ मिल रहा है. इसके बाद करूँ वेट की बात, तो यार वेट मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और फुल्ली मेटेलिक बॉडी इसकी वजह से इसका जो वेट है वो 60 ग्राम का हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस प्राइस सेगमेंट में. और इस फीचर्स के साथ और भी वॉचेज आती हैं लेकिन उनका वेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको हाथ में थोड़ा सा फील होता है. उसके बाद बात करूँ यार इसके रिस्ट बैकअप की, तो रिस्ट बैकअप भी इसका काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छे से काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती. हर बार आप रिस्ट को शेक करोगे ये बैकअप हो जाती है वॉच. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी. देखो यार जो सेटअप है और ये सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन वगैरह, वो मैं ऑलरेडी Firebolt Max वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं अब उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी. तो अगर आप लोगों को सेटअप और एप्लीकेशन देखना है तो आप मेरी Firebolt Max वाली वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ वो वाला पार्ट भी देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी वीडियो देखो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर लेना. तो यार अभी बात करते हैं हम इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में. जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी, फुल्ली मेटेलिक बॉडी के साथ आई है, ये कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है. यही रीज़न है जो इसका वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और काफ़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है. साथ ही साथ स्ट्रैप की बात करूँ तो इस बार स्ट्रैप को जो है थोड़ा सा अच्छा किया है इन्होंने Firebolt Max के आगे, क्योंकि यार Max का जो स्ट्रैप था वो Firebolt टॉप जैसा ही था, तो इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं. लेकिन इसका जो स्ट्रैप है, इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी सही है. आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो कम्फर्टनेस है वो भी आप इसमें फील करोगे कि हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है इसका स्ट्रैप. उसके बाद बात करूँ ओवरऑल इसके लुक की, तो यार ओवरऑल लुक भी काफ़ी सही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो पहनने के बाद एक अलग ही प्रीमियम लुक दे रही है ये वॉच.
तो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है। इस प्राइस रेंज में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, अगर आप वेट को कंसीडर कर सकते हो तो बिल्कुल ये लुक वाइज भी काफ़ी तगड़ी वॉच है। वॉच को काफ़ी ज़्यादा लुक में इनहेंस कर देता है इसका क्रॉन, जो कि काफ़ी अच्छे लुक के साथ आता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो यार क्रॉन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही लगी है मुझे। तो इसकी सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं प्रमोट करना, उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि है इनकी डिस्प्ले। डिस्प्ले पे इन्होंने काफी सही काम किया है, ये बात माननी पड़ेगी। 1.79 इंच की LTPS डिस्प्ले देखने को मिल रही है इसमें, और जो इसकी ब्राइटनेस है वो इसमें जो क्लेम कर रहे हैं 500 निट्स तक, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा लगी नहीं है। एक्चुअली बताऊं तो मुझे फायरवॉल्ट मैक्स से कम ही लगी है इसकी ब्राइटनेस। इंडोर की बात करूं चाहे मैं आउटडोर की बात करूं, आउटडोर में भी मैंने इसको काफी ज्यादा यूज किया है और आउटडोर में आपको सन के सामने जो विजिबिलिटी है कहीं ना कहीं कम दिखने को मिलती है। बाकी नॉर्मल आप आउटडोर में यूज करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो वैसे सनलाइट में भी नहीं आएगी, टाइम वगैरह आप इजीली देख सकते हो, बट जो ब्राइटनेस ये लोग क्लेम कर रहे हैं इतनी तगड़ी ब्राइटनेस लगी नहीं है मुझे। तो हाँ ये जो है जेन्युइनली बता रहा हूं मैं आप लोगों को। लेकिन ये जो डिस्प्ले है और ये जो वॉच है ओवरऑल काफी ज्यादा बल्की हो जाती है डिस्प्ले की वजह से और बड़ी भी हो जाती है, तो जो थिन हैंड वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उनको थोड़ा हैवी फील होगी वॉच। पर्सनालिटी के हिसाब से ज्यादा तगड़ी वॉच लग जाएगी जिनके हाथ जो है काफी पतले होते हैं उनके ऊपर। उसका रीजन जो है वो डिस्प्ले ही है, क्योंकि इनको डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा बड़ी करनी थी। तो ओवरऑल जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो भी काफी सही है, और कलर्स हैं वो भी काफी ज्यादा पंची LTPS डिस्प्ले होने की वजह से, तो हर चीज एक्यूरेट है डिस्प्ले के अंदर। बस ब्राइटनेस उतनी नहीं है जितनी कि इन्होंने हाइप अप की है, लेकिन अगर आप इनके हाइप को छोड़ दो और नॉर्मली देखो तो आपको काफी तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यार इधर आओ भाई, शुरू में ही बोला था वीडियो को लाइक करने किया कि नहीं किया, अबे यार जल्दी कर दो और सब्सक्राइब भी करो यार, अभी इस टाइप के बहुत सारे कंटेंट्स आने हैं, अभी तो शुरुआत है भाई, चलो फटाफट करो। तो यार अभी हम इसकी वॉच की UI पे एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं वॉच UI कैसे वर्क करती है और कितनी सही है, लैगी है या नहीं है, कैसे कैसे काम करती है वॉच UI। तो वॉच UI पे एक बार नज़र मार लेते हैं। ऊपर से स्वाइप करने के बाद आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस का, डू नॉट डिस्टर्ब, वाइब्रेशन और ये सारी चीज़ें, टॉर्च वगैरह मिल जाती है आपको। उसके बाद बात करूँ नोटिफिकेशंस की, तो नीचे से आपको स्वाइप करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए। बाकी लेफ्ट साइड से आप यहाँ से मेन्यू में जा सकते हो, तो इसमें डुअल मोड है मेन्यू के, दो स्टाइल से मेन्यू आते हैं इसके टोटल, तो एक इस तरीके से आता है और एक आपका लेफ्ट स्वाइप करने से आता है। तो अभी मैं आपको मेन्यू में दिखा देता हूँ ये सारे फीचर्स वगैरह हैं यहाँ पे जितने भी हैं इसके अंदर। तो ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत UI जो है इसका मुझे लैगी लगा है। बाकी बात करूँ ब्राइटनेस की, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को लो और हाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन टाइम की बात करूँ तो यहाँ से आप स्क्रीन टाइम भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिक आपको सेटिंग का मोड नहीं मिला है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना, जो है बाहरी है सारी चीज़ें आपको लेफ्ट से स्वाइप करने के बाद मिल ही जाती हैं। तो बस वॉच की UI में यही है। स्पोर्ट्स मोड की बात कर लेते हैं, तो यार स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर 20 है, तो 20 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है ये वॉच, जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपना रिकॉर्ड्स वगैरह भी रख सकते हो स्पोर्ट्स मोड का, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है। अभी बात कर लेते हैं हम इसकी एक्यूरेसी की, कितनी एक्यूरेट है ये वॉच। तो सबसे पहले हार्ट रेट टेस्ट करते हैं, और हार्ट रेट में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यार काफ़ी तगड़ी एक्यूरेसी देखने को मिल रही है इस वॉच में, लगभग ये ऑक्सीमीटर के साथ साथ ही चल रही है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। और एंड में भी जो रिजल्ट है इसका, आप थोड़ी देर में ही आपको इसका रिजल्ट मिलता है, एक आध मिनट आपको पहन के रखनी पड़ेगी वॉच, तब ये वॉच वाइब्रेट होगी, तब आपको एक एक्यूरेट डेटा देती है। तो यार एंड में जो हार्ट रेट आया है इसका वो काफ़ी सही रिजल्ट के साथ आया है ऑक्सीमीटर से कंपेयर करूँ तो। वही बात करूँ मैं SpO2 की, तो यार SpO2 का भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी के साथ ये आपको डेटा दिखा देता है। ऑक्सीमीटर से अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, लेकिन वो हर बार आप करोगे तो हर बार थोड़ा अलग ही बताता है, ये आप लोगों को पता है कोई सी भी वॉच हो। तो एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी सही सेंसर्स दिए हैं इस बार। वही बात करूँ अगर सरफेस टेस्ट की, तो यार वो भी आप लोग देख लो, जैसे ही मैंने वॉच को नीचे रखा है टेबल पर इसने बता दिया कि भाई वॉच जो है वो आपने पहन नहीं रखी है, तो इसको पहन लो पहले, उसके बाद अपनी धड़कन वड़कन चेक कर लेना, टेबल की धड़कन हम ना बताते। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, इसमें काफ़ी सही सेंसर दिया यार इस मामले में। इस बार फायरवॉल्ट मैक्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और फायरवॉल्ट सुप्रीम में भी जो सेंसर के अंदर काम किया वो काफ़ी तगड़ा काम किया है। पहले जो है ये किसी भी चीज़ का आपको हार्ट रेट SpO2 बता देता था, अब अगर आप SpO2 भी चेक करने जाओगे तो ये आपको ये तो नहीं कहेगा कि आपने वॉच नहीं पहन रखी है, बट ये आपको उसका डेटा भी नहीं देता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है, तो सेंसर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है पहले से इनकी वॉचेज में। अभी बात करते हैं हम यार इसके वाटर रेजिस्टेंट की, 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट है। मुझे इनकी एक चीज़ समझ में नहीं आती है यार, कि ये पहले बोलते तो हैं कि भाई जो आप 3 ATM दे रहे हैं हम, आप उससे स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, बॉक्स पे भी लिखा है, अमेजोन पे भी लिखा है, बट ये बाद में अपने मैनुअल कार्ड में मना करते हैं कि भाई स्विमिंग मत करना। तो ये चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आई इनकी, कि 3 ATM दे तो रहे हो लेकिन फिर मना भी कर रहे हो और एक तरफ से कह भी रहे हो, तो चल क्या रहा है पता नहीं।
लेकिन हाँ थोड़ा रिस्की हो जाता है, फिर एटीएम से आपको स्विमिंग वगैरह करना, तो आप अपने रिस्क पे करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे रिकमेंड नहीं करते हैं फायरबोल्ट वाले भी, मैं भी नहीं कहूँगा भाई आप 4,000 रुपये 3,500 रुपये लगा रहे हो तो आप ऐसे रिस्क वगैरह लो। वैसे वाटर टेस्टिंग करी थी मैंने तो मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत लगी नहीं बिल्कुल भी। वाटर में रख के काफ़ी देर देखा मैंने, उसके बाद इसको यूज़ भी करा तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई इसकी टच वगैरह में, ना ही सेंसर्स में। तो हाँ वाटर रेजिस्टेंट 3 ATM लेकिन उन्होंने काफ़ी सही काम किया, बट 5 ATM होता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। तो अभी बात करता हूँ इनके स्पोर्ट्स मोड के बारे में, जिसमें इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट करी है यार। 20 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जो कि पहले ये लोग इतने स्पोर्ट्स मोड लाते नहीं थे। ये जो है वो एक्टिविटी, फिटनेस एक्टिविटी के लिए ही ये वॉच ज़्यादातर फोकस में रख के बनाई है, ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। और जो एक्यूरेसी है ना इस वॉच के अंदर यार, वो बहुत कमाल की देखने को मिल जाती है आपको इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको स्टेप्स वगैरह काउंट किए थे और यकीन मानना भाई 4-5 स्टेप्स इधर उधर हो रहे होंगे, लेकिन जितने भी मैंने काउंट किया उस हिसाब से बहुत सही डेटा इसने मुझे प्रोवाइड किया है। स्पोर्ट्स मोड में जब मैंने 500 समथिंग मैंने स्टेप्स काउंट किए थे तो मुझे काफ़ी सही लगी ये चीज़ के यार, काफ़ी तगड़ी इंप्रूवमेंट आई है इनके स्पोर्ट्स मोड में भी। आप जो भी ज़रूरत वाले स्पोर्ट्स मोड है वो आप यूज़ कर सकते हो, वो सारे हैं बेसिक जितने भी हैं। बेसिक के अलावा कुछ ऐसे भी जो हम लोग नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, या फिर वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने वो चीज़ दे रखी है तो जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए काफ़ी सही चीज़ है ये। तो अभी बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो कॉन्स की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा तगड़े कॉन्स देखने को मिले नहीं है इसमें, बस ब्राइटनेस में मुझे थोड़ी बहुत कमी लगी, जितना इन्होंने हाइप किया था उसके अकॉर्डिंग वैसे तो काफ़ी सही है। उसके अलावा 3 ATM बोल के स्विमिंग वगैरह नहीं करने को बोलते हैं ये, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी एक कॉन्स में ही आती है। और बाकी बात करो और चीज़ों की तो यार हाँ, स्पोर्ट्स मोड में इन्होंने चीज़ें लिख नहीं रखी है, बस इन्होंने लोगो दे दिया है। स्पोर्ट्स मोड में चीज़ें नहीं लिखी है कि आप ये वॉकिंग रनिंग आउटडोर रनिंग या साइकिलिंग या फिर जिम, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख के नहीं दिए, बस लोगो दे दिया है। तो ये एक तरीके से कौन ही है, वैसे आप चाहो कंसीडर कर सकते हो इसको एज अ कौन, और चाहे हो तो नहीं कर सकते हो। कंक्लूजन की बात करते हैं तो यार देखो, अगर आप लोगों को एक फिटनेस लेवल की वॉच चाहिए जिस जो आप फिटनेस के लिए ही कंसीडर करोगे जिस वॉच को, और आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड चाहिए विद एक्यूरेसी, तो बिल्कुल आप इस वॉच के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको तगड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, उसके अलावा बड़ी भी है डिस्प्ले साथ ही साथ, और जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स मोड वगैरह में, स्टेप्स में, इन सारी चीज़ों में, तो वो भी काफ़ी सही लगी मुझे। तो हाँ आप इसके लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार बहुत तगड़ी वॉच है ये, बहुत ही अलग दुनिया की वॉच बना दी है फायरबोल्ट ने, तो ऐसा नहीं है। हाँ एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, चाहे वो हार्ट रेट हो, SpO2 हो या फिर सरफेस टेस्ट हो, तो सेंसर वगैरह भी इनके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं पहले से, बट ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना बहुत तगड़ी। लेकिन हाँ अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हो, रफली भी यूज़ करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी वॉच है रफली यूज़ के लिए भी, क्योंकि फुल्ली मेटेलिक बॉडी आती है और काफ़ी स्ट्रांग बॉडी लगती है इसकी, तो आप इस वॉच को कंसीडर कर सकते हो। वैसे भी ऑफर्स में ये आपको 3500 रुपीज़ तक की मिल जाएगी, और यार वो मजाक कर रहा था सब्सक्राइब करोगे तो सस्ती मिलेगी, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना यार। तो यार बस यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।